अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, दिस इज डॉक्टर सुंदस। इमरान खान हैज बीन अरेस्टेड। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को एक इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है। आई एम शॉक्ड बट आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज कुछ महीनों से ये कोशिश जारी थी कि इमरान खान को हम किस तरह रोकें, उनकी आवाज़ किस तरह बंद करें। वो जो हमारे रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए लड़ रहे थे, उनको किस तरह हम रोकें, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरह कर्टेल करें। और आज उन्होंने अरेस्ट करके हमारी गवर्नमेंट ने ये साबित किया है कि दे आर सो फेयरफुल ऑफ द इलेक्शंस। जो अभी 5 दिन में 14 मई में जो हमारी इलेक्शन की डेट आ रही थी, उसको किस तरह रोक रहे हैं एट एनी कॉस्ट। और यू नो दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ इवेंट्स, स्पेशली बिकॉज इमरान खान तो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं अपनी हियरिंग, और उनको ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसका क्या मतलब होगा हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी पॉलिटिक्स के लिए? और यही बात जो मैं पहले कह रही थी कि अपने प्रीवियस वीलॉग्स में, कि हमें अपने पॉलिटिकल वॉर्स और ईगोस से निकल के अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। और अभी 2 हफ्ते पहले हम डायलॉग कर रहे थे पीटीआई और पीडीएम, और आज ये हो गया है। तो दिस इज़ यू नो अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इससे हमारी जो ऑलरेडी एक बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल कंट्री है, उसको हम और भी ज़्यादा वर्स कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा एज ए सोसाइटी, एज एन इकॉनमी? हम अपने गरीब लोगों को तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे, ये वॉर्स ही नहीं ख़त्म हो रही। तो आज का जो इवेंट है, अब देखते हैं इसका क्या अगले फ्यू आवर्स में, अगले कुछ घंटों में ये किस तरह अनफोल्ड होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इसका एक्शन लेती है, बिकॉज अभी उन्होंने चैलेंज किया है इस अरेस्ट को। आई विल स्पीक टू यू अगेन सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।